मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई वर्ल्ड माई ब्लॉग. दिस इज योर चसेटी. और जैसा कि आप तो नहीं जानते होंगे बट मुझे पता है, मेरा बर्थडे वीक शुरू हो चुका है. तो मैंने अपने आप को दो साल से कुछ भी गिफ्ट नहीं किया. वैसे मैं हर साल जब से मैंने थोड़ा बहुत भी अर्न करना शुरू किया था, मैं अपने बर्थडे पे खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके खुद गिफ्ट करती थी. बट दो साल से मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदा. बट दिस टाइम मैं खुद को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ. तो अभी मैंने कुछ सोचा है, देयर इज समथिंग इन माय माइंड. तो मेरे साथ ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं खुद को कुछ बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट करने वाली हूँ. तो कुक करते करते मेरी नजर गई सुल्तान में. मैं आपको दिखाती हूँ किस पोजीशन में और कैसे बैठा हुआ है. मतलब इट इज सो फनी. ये देखो कहाँ जाके बैठा है. ऐसे कौन बैठता है? ऐसे कौन बैठता है सुल्तान? ओ मेरा कार्टून, ऐसे कौन बैठता है? कौआ, किस सोच में डूबे हो आप? नैंसी की याद आ रही? नैंसी की आ रही? नैंसी नौटंकी. बोले बहुत रिएक्शन आया. तो अभी अभी वहां से उतर के वो नीचे भाग गया है. एंड आप मटकू याद है ना, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको मटकू जरूर याद होगा. तो मटकू की मेरे पास एक लास्ट वीडियो है बिकॉज नाउ मटकू फ्लाइज अपने आप, वो मतलब उड़ता है. मटकू मतलब उड़ने लगा है और वो अब किसी के हाथ नहीं आता, ना ही किसी को बुलाने पर आता है. तो ही इज़ अ फ्री बर्ड नाउ, जो कि मैं चाहती थी कि वो फ्री बर्ड रहे. और नाउ ही इज़ अ फ्री बर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, टच वुड. तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जो कि मेरे भैया भाभी ने मुझे भेजा है. मटकू की जो लास्ट वीडियो थी हमारे साथ, जब तक वो हमारे से फ्रेंडली था, अब तो नहीं आता बुलाने पर. ऑल दो वो हमारे छत पर उड़ता है और रहता भी आस पास ही, बट वो बुलाने पर नहीं आता. मम्मी पापा भैया भाभी सब बुलाते बट वो नहीं आता. बट आई एम श्योर एक बार अगर मैं गई ना तो मेरे बुलाने पर जरूर आएगा. एक प्यार तो है उससे यार, एक बॉन्ड तो है जो कि हमेशा रहेगा. तो अभी आप देखो मेरी नीस उसको कितने प्यार से खाना खिलाती थी मेरे आने के बाद. प्यार कर दो, प्यार करो. काटेगा नहीं? नहीं काटेगा. हाँ पहले पूरा फिनिश करो तब मिलेगा. So here we go and I have planned to buy an iPhone 13 for myself or red color because red मुझे बहुत टाइम से लेना था. Although future world में मुझे pink लेने पर force कर रहे थे but मेरे को pink बिल्कुल नहीं लेना था और मैं बिल्कुल अड़ गई अपनी बात पर कि मेरे को red ही चाहिए. And finally unboxing of my beauty. के पूछ के रखो से का रखो. और मेरे को नेक्स्ट जब भी आता है ना अच्छा कवर कोई, मैं नंबर दे दूंगी आपको. कोई नहीं, आप नंबर दे देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा. फोन ले लिया, बहुत सारा घूम लिया और अब हम चले घर की ओर. हम जब भी कुछ नया खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसको भगवान जी के पास रखते हैं. एंड आई होप बहुत सारे लोग यही करते होंगे. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग.
थैंक यू महादेव। सो फाइनली फोन की अनबॉक्सिंग तो हो गई एज यूजुअल। ये लीफ जो कि इसके स्क्रीन पे लगा था, केबल और सिम कार्ड निकालने के लिए पिन, एंड जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगी वो थी ये प्रोडक्ट रेड। फ़ोन के पीछे भी लिखा है प्रोडक्ट रेड इन पार्टनरशिप विद रेड। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि जब भी आप एप्पल का रेड कलर का फ़ोन लेते हो तो ये HIV एड्स के साथ सपोर्ट में जुड़ जाता है। और मुझे नहीं पता कितना पोर्शन, बट एप्पल विल कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ योर आईफोन परचेज टू द ग्लोबल फंड टू सपोर्ट HIV एड्स। वाओ, मतलब यहाँ भी चैरिटी। मुझे सच में नहीं पता था कि रेड कलर का फ़ोन लेने पे ये चैरिटी होती है। ऑल्दो बहुत लोगों को पता होगा बट मुझे नहीं पता। फ़ोन लेने के बाद मैंने एक अच्छा सा नैप और सारी सेटिंग वेटिंग कर दी और अभी मैं नए फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और मुझे सच में नहीं पता था कि रेड कलर का फ़ोन जो एप्पल का लेते हैं उससे हम चैरिटी भी कर देते हैं जाने जाने, बट मुझे अच्छा लगा। और तो सबको, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो मेरे जैसे। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सबके लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस। बाय बाय।